हेलो स्टूडेंट्स, जैसे समय आया एसएससीएम स्कूल रन बाय श्री सजानंद गुरु प्रमाण हुआ, हार्डली वेलकम यू टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज रुपीस एंड पैसा। यू ऑलरेडी लर्न दैट द टॉपिक रुपीस एंड पैसा। नाउ फर्स्ट आप हाउ यू पे एंड रिसीव मनी, ओके। एंड लेट्स सी, यू नो दैट this is the 2 rupees coin, okay, this is the 5 rupees coin, this is the 10 rupees notes, okay. Let's see the next one. This is the 1 rupees coin. Let's see the next. This is the 5 rupees notes. This is the 20 rupees notes. This is the 50 rupees notes. Okay? 100 rupees notes and 200 rupees notes. ठीक है? ये सब notes हैं। कौन-कौन से हमें देखी? 5 rupees note, 20 rupees notes, 10 rupees notes, 50 rupees notes, 100 rupees note, 200 rupees notes. ओके, एंड कॉइन्स कौन से देखे? 1 रुपीस के, 2 रुपीस के एंड 5 रुपीस के। ठीक है, अब हमारे पास ये कॉइन्स और रुपीस है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि हम कोई भी कस्टमर के पास, हम कोई भी दुकान पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, और हमें रुपीस इनको देने, मतलब 100 रुपीस इनको देने, ठीक है। अब हमारे पास 50 रुपीस की नोट है, ठीक है, तो 50 रुपीस की कितने नोट्स उसको देंगे? 100 रुपीस बनेंगे, ठीक है, तो 50 रुपीस की कितने नोट्स देंगे? 2 नोट्स देंगे। एग्जांपल, हमें 100 रुपीस इसको देने, ठीक है, हमारे पास ये 50 रुपीस है, तो 50 रुपीस की कितने नोट्स है? 1 नोट्स है हमारे पास, ठीक है, तो 50 रुपीस की कितने नोट्स देंगे? एक तो हमारे पास है, ठीक है, और दूसरे भी हम कितने नोट देंगे? 50 रुपीस की दूसरी नोट रख देंगे, तो 1 नोट और दूसरी भी 1 नोट, तो हम एडिशन करेंगे, 0, 5 प्लस 5, 10, 100 रुपीस बन गए। दैट मीन्स हम इसको 50 रुपीस की 2 नोट इसको देंगे, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है, तो हमारे 50 रुपीस की 2 नोट्स देंगे, तो हमारी 100 रुपीस की 1 नोट होगी, ठीक है, तो हम उसको 50 रुपीस की 2 नोट्स देके 100 रुपीस उसको चुकता कर देंगे, ठीक है। तो हमें इस तरह से मैं आगे सीखने का हाउ यू पे एंड रिसीव मनी, कितने रुपए वापस देंगे। अब देखो, फर्स्ट एग्जांपल आपको सम से वो दिया गया है, किस तरह से करना है देखो। आपको दिए गए 4, 7 रुपीज की 1 एंड 5 रुपीज नॉट प्लस डेस 2 रुपीज नॉट, दैट मीन्स यहां पे आपको क्या दिया गया है कि आपको 7 रुपीज से इसको देने, ठीक है, अब 7 रुपीज आपको देने, ठीक है, तो 7 रुपीज की नोट तो आती है, 5 2 1 इस तरह से नोट आती है, ठीक है, तो हमारे पास एक 5 रुपीज की नोट है, ये हमारे 5 रुपीज का कॉइन है हमारे पास, या फिर नोट भी हो सकता है, ये 5 रुपीज की नोट है और 2 रुपीज की नोट है, वो उसको कितने देंगे? तो आपके 7 रुपीज बनेंगे, और आपको पता है 5 प्लस 2 कितने होते हैं? 7, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रुपीज है, ठीक है, ये 2 रुपीज है, हम 2 रुपीज के कितने कॉइन देंगे उसको? 1 कॉइन देंगे, ये 5 रुपीज कॉइन और ये 2 रुपीज कॉइन, 5 प्लस 2 कितना होगा? 7, हमें उसको 7 रुपीज देने, दैट मींस 5 रुपीज का 1 कॉइन देंगे उसको और 2 रुपीज का 1 कॉइन देंगे, ठीक है, तो 2 रुपीज का यहाँ पे इसको कितना कॉइन देंगे? 1 कॉइन,
5 rupees की नॉट 1 नॉट एंड 2 रुपीज की नॉट 1 नॉट या फिर कॉइन, ठीक है। तो हम दोनों एक 1 नॉट दे रहे, 5 रुपीज का कॉइन एंड 2 रुपीज का कॉइन, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5 + 2 = 7, ठीक है। तो हमें 7 रुपीज को पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट वन कौन सा है, हमें उसको 13 रुपीज दे रहे, 13 रुपीज है वो आपको पे कर रहे, तो 13 रुपीज आपको देना 1 10 दे रहे, तो इसमें क्या करेंगे 10 रुपीज और प्लस डैश 2 रुपीज नॉट प्लस डैश 1 रुपीज नॉट, दैट मीन्स आपको 10 रुपीज है उसको आपको 13 रुपीज उसको दे रहे, ठीक है। तो आप उसको किस तरह से दोगे, आपके पास 13 रुपीज ले रहे तो आपके पास 10 रुपीज 2 रुपीज एंड 1 रुपीज के नोट्स है, ठीक है, या फिर कॉइन्स है, ठीक है। तो आप 10 रुपीज की एक 1 नोट दोगे, ये 10 रुपीज है, ठीक है, इसकी 1 नोट दोगे, 2 रुपीज है, ठीक है। अब 2 रुपीज की आप कितने कॉइन्स दोगे, ये 2 रुपीज है, ठीक है, ये 10 + 2 कितना आएगा 12, ठीक है। तो 2 रुपीज इसको कितने कॉइन दोगे, 1 कॉइन, ठीक है। अब आपको उसको पे करने हैं 13 रुपीज, दैट मींस आपको अभी 1 रुपीज की कितने नोट्स को दोगे, ये 1 रुपीज है, ठीक है। इसका कॉइन कितना दोगे, 1 दोगे, तो 10 + 2 = 12, 12 + 1 = 13, ठीक है। तो 1 रुपीज भी कितने कॉइन्स दोगे आप, ये नोट दोगे 1 नोट, ठीक है। तो आप 13 रुपीज जिसको पे है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास 2 रुपीज नहीं, आपके पास 1 रुपीज का कॉइन नहीं है, तो दूसरा आप किस तरह से कर सकते हैं कि 10 रुपीज किया आपने 1 नोट दे दिए, ठीक है, आपने 10 रुपीज की 1 नोट दी इसको प्लस आपके पास ओनली 2 रुपीज की ही नोट है, आपके पास 1 रुपीज का कॉइन नहीं है, तब किस तरह से इसको दोगे, 2 रुपीज की नोट से, ये 10 रुपीज की नोट और 2 रुपीज की नोट आप 2 टाइम उसको दोगे, तो 10 + 2 = 12, 12 + 2 दूसरी बात 14, तो आप उसको 2 रुपीज की नोट दोगे तो उसको आप 14 रुपीज दोगे, ठीक है। और आपने उसको दे रहे 13 रुपीज, तो वो कितना रुपीज रिटर्न करेगा, 1 रुपीज, क्योंकि आपने उसको 14 रुपीज दिया और आपको पे करने हैं 13 रुपीज, दैट मीन्स आपने उसको 1 रुपीज ज्यादा दे दिया, तो आपको 1 रुपीज है वो रिटर्न करेगा, 14 - 13 = 1 रुपीज, ठीक है। आपने उसको ज्यादा दिया तो आपको 1 रुपीज है वो रिटर्न देगा, क्योंकि आपने 1 रुपीज उसको ज्यादा दिया, और आप उसको 1, 2 और 10 रुपीज की नोट दोगे तो आपने उसको पूरा काउंटिंग करके दिया 14 रुपीज, तो आपको कोई भी रुपीज है वो रिटर्न नहीं करेगा, क्लियर। देखो नेक्स्ट वन हम करते हैं 15 रुपीज आपको दे रहे, किस तरह से करना है लेट्स सी। आपको उसको 15 रुपीज दे दे रहे, आप किस तरह से उसको दे सकते हो, 10 रुपीज की नोट प्लस 5 रुपीज की नोट, ठीक है, या फिर प्लस 5 रुपीज नोट, ओके, ये हो गया ओल्ड में। किस तरह से करना है देख लो, हमें उसको 15 रुपीज देने हैं, आपके पास 10 रुपीज और 5 रुपीज की नोट एंड कॉइन है, ठीक है। तो आप 10 रुपीज की कितने नोट्स दोगे, ये 10 रुपीज है,
आपको 15 रुपीज उसको दे रहे हैं, क्या 10 रुपीज की दोगे वन नाउ, ओके, और 5 रुपीज की भी कॉइन है, ठीक है, इसमें आप कॉइन का वन कॉइन ही दोगे, 10 प्लस 5 15 हो गया, तो 5 रुपीज की कितने कॉइन दोगे, वन कॉइन, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 10 प्लस 5 15, ठीक है, तो आपने उसको 15 रुपीज पे कर दिए। अब आपके पास 10 रुपीज की नोट नहीं है, आपके पास ओनली 5 रुपीज के ही कॉइन है, ठीक है, तो 5 रुपीज के आप कितने कॉइन दोगे, इसमें तो आपको 50 रुपीज बनेंगे, एक 5 कॉइन है, एक 5 का 1 कॉइन, दूसरा आप कॉइन लोगे तो दूसरा कॉइन भी 5 रुपीज का, ठीक है, तीसरा कॉइन आप लोगे वो भी 5 रुपीज का, तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15 हो गए, ठीक है, आपके पास से 5 रुपीज की नोट है, ठीक है, ये 5 रुपीज, ये 5 रुपीज, 10 रुपीज हो गए और दूसरी 5 रुपीज ऐड करो, ठीक है, तो आपके पास 50 रुपीज है वो बन जाएगा, या फिर आप 5 रुपीज की 3 कॉइन दोगे, या फिर 10 रुपीज की 1 और 5 रुपीज को 1 कॉइन दोगे, क्लियर। नेक्स्ट आप किसी तरह से करते हैं, आपको 8 रुपीज इसको दे रहे हैं, आप 2 रुपीज की भी नोट उसको देते दे सकते हो, अदरवाइज दूसरी तरह से आप किस तरह से दोगे उसको, 5 रुपीज नोट प्लस 2 रुपीज नोट प्लस 1 रुपीज नोट। अब देखो ये किस तरह से आएगा, आपको 8 रुपीज इसको देने, ठीक है, तो आपके पास ओनली 2 रुपीज के ही कॉइन है, आपको 8 रुपीज इसको देना है, ये 2 रुपीज का कॉइन है, ठीक है, आपको 8 रुपीज इसको देने था, 2 है, 2 रुपीज के कॉइन कितने दोगे, एक 2 रुपीज का कॉइन दे दिया, दूसरा 2 रुपीज का कॉइन दोगे, तीसरा 2 रुपीज का, तो आपके कितना आएगा, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, दैट मींस 2 रुपीज की आपने इसको कितने कॉइन दिए, 4 कॉइंस, ठीक है, तो आपको इसने उसने आपको आपने उसके 8 रुपीज दे दिए। अब आपके पास 5 रुपीज 2 रुपीज और 1 रुपीज के सबके कॉइन, तो आप उसको किस तरह से दोगे, एक 5 पीस का आपको 8 रुपीस उसको देने, आपके पास एक 5 पीस का 1 कॉइन नोट है, ठीक है, 2 रुपीस की भी नोट है कॉइन है और 1 रुपीस का भी कॉइन है, ठीक है, तो आपको पता है 5 प्लस 2 कितना होगा, 7, 7 प्लस 1 8, 8 रुपीस दिए हो गए, दैट मींस आपने 5 रुपीस की मान लो दी इसको, फिर 2 रुपीस की भी आपने 1 कॉइन दिया एंड 1 रुपीज है, इसका भी आपने उसको 1 कॉइन दिया, दैट मींस आपने उसको 8 रुपीज है वो दे दिए, ठीक है, आपके पास 5 कॉइन 1 रुपीज की है तब सब पर 1 कॉइन दोगे नोट दोगे, और आपके पास 2 रुपीज की नोट है कॉइन है तब 2 रुपीज की नोट आप 4 टाइम दोगे, 4 कॉइन दोगे या फिर 4 नोट दोगे तब उसको 8 रुपीज है वो दे दोगे, ठीक है, इसी तरह से आपको 9 रुपीज इसको पे कर रहे हैं, तो किस तरह से करोगे, फाइव रुपीज नोट प्लस
is not. अब आपको 5 रुपीज से 9 रुपीज आपको देने इसको, ठीक है? आपके पास 5 रुपीज और 2 रुपीज की नोट है, तो आप किस तरह से दोगे इसको? एक 5 रुपीज है, ठीक है, 5 रुपीज की आप वहां नोट दोगे, और आप 5 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा? 7, ठीक है? आप उसको आपको 9 रुपीज देने, तो आप 7 है दोगे। अभी भी आपके पास 2 रुपीज कम है, तो आप वापस उसको 2 रुपीज की नोट दूसरी नोट दोगे, तो 5 रुपीज की 1 नोट दी, 2 रुपीज के 1 को लिया, तो 7 है। अभी भी आप उसको 2 रुपीज की नोट दोगे, ठीक है? तो आपने 5 रुपीज की 1 नोट दी, 2 रुपीज की कितनी नोट दी? 2 नोट, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, तो ये हो गया 5, 5 प्लस 4 9, तो आप उसको 9 रुपीज देने, तो 5 रुपीज की 1 नोट दोगे, ठीक है? और 2 रुपीज की कितनी नोट दोगे? 2 नोट दोगे, ये तो आप उसको 9 रुपीज है वो आप पेन है वो कर सकते हैं। इस तरह से आपको रुपीज है वो उसको देने है और उसके पास से लेने के, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कन्वर्जेशन ऑफ रुपीज इनटू पैसा एंड पैसा इनटू रुपीज। आपको उसको कन्वर्ट कर देना है रुपीज को पैसे में, पैसे को रुपीज में, ठीक है? कन्वर्जेशन ऑफ रुपीज इंटू पैसा एंड पैसा इंटू रुपीज, क्लियर? अब आपको फॉर्मूला पता है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, क्लियर? अब आपके पास 2 रुपीज है, उसके पैसे कितने होंगे? 2 इंटू 100, 200 पैसा। आपको रुपीज में से पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आपको 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? एग्जाम्पल 5 रुपीज है, आपको कन्वर्ट करना है उसको पैसे में, तो 5 को 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 5 इंटू 100, आंसर आया 500 पैसा, ठीक है? ये हमने कन्वर्ट किया रुपीज को पैसे में, क्लियर? हम एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको कन्वर्ट करना है रुपीज को पैसे में, 4 रुपीज तो फर्स्ट वन आप कन्वर्ट करोगे 4 रुपीज को, ठीक है? 4 रुपीज को हमें कन्वर्ट करना है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, 4 रुपीज के कितने आएंगे? 100 पैसा प्लस 25 पैसा ऐसे ही लिख देंगे। आपको ऑलरेडी कन्वर्ट करना है रुपीज को पैसे में, पैसे को कन्वर्ट नहीं करना है, पैसा तो है ही ऑलरेडी, तो आप रुपीज ने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अब ये दोनों पैसे हो गए, इन दोनों का सिंपल इधर से एडिशन कर देना है, 400 प्लस 25, आंसर आएगा 425 पैसा। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपका आता है दूसरा, हम करते हैं 6 रुपीज 85 पैसा, तो फर्स्ट आप रुपीज को कन्वर्ट करेंगे पैसे में, तो ये क्या आएगा? 6 रुपीज का 600 पैसा प्लस 85 पैसा, तो 600 प्लस 85 पैसा, तो ये हमने कन्वर्ट किए रुपीज को पैसे में। उसी तरह से उल्टा आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से कन्वर्ट करोगे? आपको ये है 575 पैसा, इसको कन्वर्ट करना है रुपीज में, ठीक है? अब आप किस तरह से करना है, आपका जो 575 है इसमें जो 100 प्लस में जो भी डिजिट है, ठीक है, इसको आपको पूरा कन्वर्ट कर देना है।
575 पैसा, दैट मीन्स अब उसको हमने अलग कर दिया, 500 को प्लस 75, ये दोनों अलग कर दिए, 500 प्लस 75 पैसा, ठीक है, ये दोनों पैसे है, बट हमने उसको अलग कर दिया। अब 500 पैसा है, हमें पता है 5 rupees इज इक्वल टू 500 पैसा। अब ये 500 पैसा है, इसको हम इज इक्वल टू 5 rupees है, दैट मीन्स आप इसकी जगह पे ये लिख सकते, ठीक है, तो ये 500 पैसा है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 5 rupees, तो हमने पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 75 पैसा, या हम एक जिस लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 5 rupees 75 पैसा, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट वन, Thank you, J.C. Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.